आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के तहत शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित आयकर विभाग कार्यालय पर साइक्लोथान कार्यक्रम के तहत अपर आयकर आयुक्त एपी मणि के नेतृत्व में आयकर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा शहर में 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का लोगों को जागरूक किया, जिसके संबंध में अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने बताया कि पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथान का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना है तथा साथ ही साथ पर्यावरण और ईंधन को बचाना है और सेहत के लिए साइकिल चलाना लाभदायक है। ये साइकिल रैली आयकर विभाग से छासंग चौराहा, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौक, गणेश चौक, शास्त्री चौक होते हुए आयकर विभाग कार्यालय पर समाप्त हुई। इस अवसर पर सहायक आयकर आयुक्त राम मनोहर श्रीवास्तव, आयकर कर्मचारी महासंघ के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता, आयकर अधिकारी वीपी सिंह, दिनेश कुमार, आनंद गुप्ता, महेंद्र श्रीवास्तव, राकेश शाही, अश्वनी कुमार सहित आयकर विभाग के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा, इसके पीछे लगाई सर, इसके पीछे लगाई आराम से सर, सर जी। अरे महाराज इतना लंबे जान भी होने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे आयकर विभाग गोरखपुर एक साइक्लोथान का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जनता को इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना है, साथ ही साथ हेल्थ के हिसाब से भी साइकिलिंग करना अच्छा है, ये भी एक संदेश देना है। इससे छोटे छोटे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए आदमी अगर साइकिल का उपयोग करेगा तो ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही में हेल्थ भी सुधरेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को यही संदेश देना है कि आप साइकिल चलाएं और पर्यावरण को बचाएं और ईंधन बचाएं। धन्यवाद। ये रैली जो है यहाँ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से होते पैडलेगंज होते हुए मोहद्दीपुर जाएगी, मोहद्दीपुर से गोलघर होते हुए ये चंद्रलोक लाज के से होते हुए और फिर ये हरिओम नगर होते हुए ये कार्यालय को वापस आ जाएगी।